हेलो, हम लोग वापस आ गए हैं, वापस आ गए। राजा फाजी लोग भी आ गए हम लोग का यहाँ पे। ओह, क्या सॉलिड लग रहा है जी इनका बाइक, कितना मस्त लग रहा है, बहुत सही लग रहा है। कैसे नमस्ते, चला जाए ना फाजी, चलिए चलिए चलो। सुपर मेट्योर, सुपर मेट्योर ये तो 650। पौधा को पानी देने गए थे जीकी भाजी, तो बहुत सारा बाइक हो गया है भाई। अभी राजा फाजी लोग भी आ गए पूरा अपना गैंग लेके, पूरा नहीं मतलब ये तो बहुत थोड़ा ही कमी लोग आया। ऐसे तो आरकेएमसी इतना बड़ा क्लब है कि भाई उसमें इतना गाड़ी आ जाता है कि गिनती करना भूल जाएगा, उतना गिनती नहीं है, इतना इतना गाड़ी है। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट 10 बाइक तो हो ही गए, तो चलो अब चले सीधा सीधा अतिथि होटल। और भाई लोग सेकंड टोल पे हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ से, और ये देख सकते हैं हम लोग का बाइक का लाइन है, और भी कुछ कुछ लोग ऐड हुए हैं। ये TVS रोनिन, ये अपाचे 310, ये भी अपाचे 310 मेरा वाला, R15 V4, हिमालयन, सुपर मेट्योर, BMW G310 GS, हिमालयन GS 310, और एक R15 V4। तो अभी हम लोग का सीन है कि हम लोग सीधा अभी यहाँ से निकलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 20 किलोमीटर और है यहाँ से, तो अतिथि ढाबा यहाँ से ज़्यादा दूर रहा नहीं है। बस अब निकलते, गाड़ी स्टार्ट करते हैं। सब लोग अभी रुके हुए थे, एक दूसरे का वेट कर रहे थे, जो कि हो गया है खत्म। तो अब चलते हैं भाई लोग सीधा। लाइनअप देख लो भाई आप लोग, एकदम एंगल से देख लो, वहाँ से लेके वहाँ तक खड़ा है। ये अपना नहीं है भाई ट्रक, लेकिन यहाँ से यहाँ तक पूरा देख लो। और रोड देख लो यार कितना अच्छा है, मतलब ये सेकेंड टोल है हम लोग का कोलकाता हाईवे जाने वाला में। तो चलिए अब गाड़ी स्टार्ट करते हैं, अब निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस पहुँच चुके हम लोग अतिथि होटल, और देख सकते हो इसका पूरा बैम्बू से कट कर कर करके इसका पूरा एकदम हर एक चीज़ बनाया गया है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये देखो। और फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहे हैं भाई, एक बार आप लोगों को वहाँ से दिखाते हैं गाड़ी के साथ हम लोग का सारा, कहाँ पे हम लोग का लोकेशन है। तो ये बहुत एकदम अच्छा सा एकदम लोकेशन में, वहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, जस्ट हाईवे पे ही आप लोग रहिएगा, राइट साइड में आप लोग को दिख जाएगा, कोई इतना ज़्यादा नहीं है। देख सकते हो पूरा बैम्बू से एकदम बनाया गया है ये लोगो, जितना भी रूम है ये सब भी, जितना भी रूम है देखो सब चीज़, बाहर बैठने वाला भी वो भी बैम्बू से है, अंदर में भी है वो भी बैम्बू, चेयर टेबल सब बैम्बू से ही बनाया गया है। तो आर्किटेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, काम बहुत अच्छा हुआ है इसका। और ये लोग भी आ गया, अब यहाँ थोड़ा सा ग्लव्स व्लव्स खोलेंगे, अंदर थोड़ा नाश्ता वास्ता करेंगे, फिर निकलेंगे। ये तो बाहर का सीन आप लोगों ने देख लिया, अब देखो अंदर का सीन कैसे होता है। ये देखो टेबल भी देख सकते हो, टेबल भी पूरा एकदम बम्बू का ही लगा हुआ है। कुर्सी देखो कैसा कुर्सी है, और तो और खटिया भी है इधर। और ये देखो आराम से यहाँ रिक्लाइन कर सकता है भाई, ये लोग वहाँ पे जाके वीडियो ले रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं, वो देखो पूरा इसको एकदम खट्टा मीठा मूवी का याद आ गया है, ये रोड रोलर देख के। देखिए तो भाई हम लोग अभी ऑर्डर कर चुके हैं खाना, आलू पराठा सबके लिए है। अभी अभी मतलब जैसे अभी हम लोग का जो टाइम है ना 8:30 बजे, इतना जल्दी ये खुलता नहीं है पूरा, मतलब लेबर उबर उतना ज़्यादा आता नहीं है, तो बहुत लिमिटेड ही कुछ मिलेगा ब्रेकफास्ट करने के लिए। अगर 10 बजे 11 बजे आओ तो आपको शायद कुछ और भी ज़्यादा मिल जाए, बट अभी 8 बजे तो यही खाली मिलेगा। और ग्रुप की लाइनअप ये रही, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर इसका आर्किटेक्ट है। सो गाइस टाइम टू लीव, और आलू पराठा हम लोग खा लिए यहाँ पे, नाश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा था, और कोल्ड ड्रिंक वोल्ड्रिंक भी लिए, चाय वाय भी पी लिए। और भाई वहाँ से सेल्फी ले रहा हूँ बस सब कोई के साथ। और अभी थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है, बट थोड़ा थोड़ा गर्मी भी लग रहा है, तो चेन थोड़ा सा मेरा खुला हुआ है जैकेट का, थोड़ा देर के बाद वो बंद कर लेंगे। चलो निकला जाए, स्टार्ट करते हैं राइड वापस जाने के लिए। हम लोग का जब एक साइड एक साथ जब हम लोग जैसे बाइक से निकलते लगता है पूरा राइडर लोग का पूरा काफिला आ रहा है, क्योंकि बहुत भर भर के एकदम बाइक आता है।
पराठा खाते खाते थोड़ा सा ना नींद आ जाता है, लेकिन जब बाइक चलता है हवा हवा लगता है तो फिर थोड़ा अच्छा एकदम फ्रेश फ्रेश पूरा फील होता है। हम लोग यहाँ पे आए थे 13 बाइक, तो अभी 11 ही बाइक है। दो बाइक जो है, एक जिक्की पाजी और एक R15 वाला, वो पहले ही मतलब नाश्ता करके वो लोग दोनों तुरंत निकल गया था, क्योंकि वो लोग घर जाना था, ड्यूटी था, तो वो लोग पहले ही निकल गया। बाकी हम लोग यहाँ पे थोड़ा देर रुके और अभी हम लोग निकले हैं। ये जो रोड है ना, ये जल्दी टूटता नहीं है भाई, ऐसा सीमेंट वीमेंट का जो रोड होता है, एंड इसमें ग्रिप बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। जहाँ ब्रेक मारो वहीं पे एकदम बहुत अच्छा ग्रिप मिलेगा, बट जो टॉप स्पीड होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है ऐसे रोड में, तो स्पीड थोड़ा कम चलेगा बट ग्रिप आपको पूरा एकदम भरपूर मिलेगा। तो ये वापस जाने का टाइम पे ये सबसे पहला टॉल अभी हम लोग आया है। एक टॉल और है आगे, है बहुत आगे है, तो ये पहला टॉल है यहाँ से जाने का, और जो कि फ्री है भाई। बहुत अच्छा जगह भी दिया है, मतलब एक सेपरेट एक रोड, बहुत चौड़ा सा रोड दे दिया है फ्री में जाने के लिए यहाँ से। बहुत जगह में क्या होता है ना, बाइक के लिए बहुत एकदम पतला सा एकदम जगह खाली छोड़ के जाता है कि आप यहीं से जाओ, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, थोड़ा सा चौड़ा रोड दिया है, तो ये अच्छा काम किया है। बाकी इस वाले मिरर का जो इंडिकेटर है पीछे, वो राइट साइड वाले का जो इंडिकेटर होता है वो ख़राब हो गया, उसका LED पता नहीं उसका ख़राब हुआ या फिर उसका तार कहीं छोड़ दिया है, तो वो भी एक बार जाके चेक करवा लेंगे। और बाय द वे अभी उसको भी चेंज करवाएंगे, क्योंकि यार हाईवे में थोड़ा सा ना दिक्कत होता है, प्रैक्टिकल है नहीं चलाने को। हाईवे में चलना है तो एक बढ़िया सा आपको एक मिरर का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, और ये वर्क नहीं कर रहा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है मेरे को। डिज़ाइन के लिए अच्छा है भाई, तब क्या ही सही दिखता है भाई, सुपर मेट्योर। बहुत लिमिटेड पीस है ये वाला भाई जमशेदपुर में। तो अभी बिल्लो पहुंच गए हैं, और बिल्लो से ये एग्जैक्ट 30 किलोमीटर है, एग्जैक्ट 30 किलोमीटर है ये बिल्लो से आपका। देखा जाए जहाँ पे अभी हम लोग गए थे अतिथि होटल, एकदम एग्जैक्ट है, देखो 6402 में थे और 6432 में है, एग्जैक्ट 20 किलोमीटर है, मतलब 30 किलोमीटर एग्जैक्ट। यहाँ से दर्शन नहीं है? नहीं, वो पीछे ही लगता है, बहुत पीछे, RC आराम से 60-70 पे चला रहा है, बहुत पीछे, बहुत पीछे। बादल को भी नहीं देखा, उसके साथ में ही है, फोन घुमा देते एक बार। आगे हुड़लुंग पहुँच गया वो लोग, डायरेक्ट वहीं पर चला जाए। हेलो, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? कोलकाता। अभी जाना कहाँ पे है? अभी हाँ, आज रांची मार देंगे, डालमा से, डालमा में हॉल्ट करके रांची कर देंगे, फिर कल मॉर्निंग पत्रपुर डालमा जा रहे हैं। चलिए, अच्छा अच्छा है। अच्छा, 2 दिन का राइड है ना? 2 दिन का राइड है? नहीं, 4 दिन का टोटल। 4 दिन का टोटल, चलिए अच्छा है। कल घाटशिला है, घाटशिला कवर किए। ये लेक देखेंगे, डिमना देखेंगे, डालमा जाके रांची निकल जाएंगे। यही तो बगल में ही है, यहाँ पे ज़्यादा दूर नहीं है। इसमें अभी हाई स्पीड कैमरा लगा है, इसमें पतरातू में कुछ जगह ऊपर शायद ये है ना, 80 पे बंद किया हुआ है, 80 ऊपर में फाइन है। अपाचे 310 है। चलिए ठीक है भैया, राइट सेफ। चलो, हाँ क्या चाहिए? नहीं, वो चाबी बंद करेगा फिर भी चलेगा, मेरे में तो चलता है, टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है भाई, क्या बोलेंगे हम। बोलो, हम लोग से पहले पहुंचा हुआ है, सोच लो कौन सा आत्मा लेकर गया है वो लोग। कॉपीराइट लगवाएगा भाई, यूट्यूब का भी बेटा फंडा नहीं समझ में आता, बैकग्राउंड में भी थोड़ा सा भी गाना बजे ना तो तुरंत कॉपीराइट आ जाता है, 5-6 सेकंड चला दो ना तुरंत कॉपीराइट लग जाएगा, बहुत गलत चीज़ है भाई। ये कहीं यहाँ पे ब्लॉगिंग कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, कहीं बैकग्राउंड में कहीं दूर दराज से भी आवाज़ आ रहा है, तो भाई हम लोग को चुप होना पड़ता है, तो सोच समझ के चलना पड़ता है सब चीज़। और अभी पीछे एक बंगाल से राइडर लोग आए हुए थे, भैया लोग थे, वो लोग बंगाल से मतलब घाटशिला गए, फिर उसके बाद अभी गालूडी जाएंगे, फिर उसके बाद वो लोग जाएंगे डलमा, वहाँ पे हॉल्ट करेंगे, फिर उसके बाद कल पतरातू जाएंगे वो लोग। और ये देखो सुपरमैन को, अपना ग्रुप का सुपरमैन,
घंटे साइकिल चलाएंगे। इसको देखो ऐसे गियर साइकिल चला रहा है। ओ भाई भाई, थोड़ा कॉमेडी पीस है। हो गया, खत्म, ज़्यादा नहीं भाई। अब चलो मंदिर पहुंच गए हैं। मंदिर से ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर है अजीते, मतलब अगर एग्जैक्ट बताया जाए तो 48 किलोमीटर है। सो गाइस, अभी जमशेदपुर हम लोग पहुंचने वाले हैं। एंड एक रास्ता हुल्लुंग के कटता था, तो वहाँ पे दो लोग वहाँ से निकल गए और बाकी हम लोग सब आगे से जा रहे हैं मांगो होके। और क्या ही बताए भाई, रास्ता में इतना ज़्यादा रिएक्शन मिला ना, इतना मस्त रिएक्शन मिला ना पब्लिक लोग का, सब एकदम मुड़ मुड़ के देख रहा है और देख के बहुत ज़्यादा खुश भी हो रहा है। छोटा छोटा जो बच्चा लोग होता है या फिर इस साइड कोई भी आदमी लोग कोई भी खड़ा है, देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड वो एक बहुत अच्छा सा हार्मलेस रिएक्शन था, ना कि यार सुपर बाइक की तरह जाके वो लोग किसी कान के सामने जाके रेव करो, उसका एग्जॉस्ट का आवाज़ जाके सुनाओ तब आपको रिएक्शन मिलना, वो अलग चीज़ होता है। बट यहाँ पे बिना किसी आवाज़ का पब्लिक देख रहा हम लोग को कि हाँ भाई देखो कितना अच्छा सेफ्टी की गियर्स में है एंड कितना अच्छा अच्छा बाइक चला रहा है, तो वो पर्पज़ से रिएक्शन मिला। तो ऐसे भी रिएक्शन मिलता है भाई, हम लोग को भी मिलता है। तो ऐसे ज़रूरत नहीं है कि भाई किसी कान के पास जाके एकदम बूम आवाज़ कर दो, ये कर दो, लाउड एग्जॉस्ट लगा के पूरा जाके आवाज़ कर दो तभी रिएक्शन मिलेगा। ऐसे भी रिएक्शन मिलता है एंड ऐसे बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा रिएक्शन मिलता है, जो कि हमले से यार किसी के लिए भी। तो भाई जमशेदपुर हम लोग पहुँच गए हैं और सबको को अभी बाय बाय कर दिए हैं और अभी खुद भी चलते अपने घर। और वीडियो को अब यहीं पे करते हैं क्लोज। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को करना सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पे कर देना फॉलो। इंस्टाग्राम पे बहुत सारा अपडेट आते रहता है, कहाँ राइड होने वाला है, कौन सा अपकमिंग राइड है। तो बाय बाय एवरीबॉडी।